इस्लाम ही व्यक्ति के कल्याण और मुक्ति का साधन है। इस्लाम एक जीवन व्यवस्था है। जमात इस्लामी हिंद राजव्यापी मुहिम चलाएगी। ये बातें जमात इस्लामी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हामिद बेग ने कही। जमात इस्लामी हिंद की 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दावती मुहिम इस्लाम सबके लिए 4 मई से 13 मई तक चल रही है। पूरे प्रदेश के 300 स्थानों पर मुहिम चलाकर 1 करोड़ लोगों तक इस्लाम के संदेश को पहुंचाने के प्रयास में जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी चाहता है लोग जाने, इस्लाम प्राकृतिक धर्म है, मानवता का धर्म है। इस्लाम में रंग भेद नस्ल का फर्क नहीं है। हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब भाई भाई हैं। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस्लाम में मौजूद ना हो। जमात इस्लामी हिंद मध्य प्रदेश 4 से 13 मई एक कैंपेन चला रही है जिसका मुख्य शीर्षक है, जिसका नाम है इस्लाम सबके लिए। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हम इस्लाम की अपनी इस मुहिम के माध्यम से इस्लाम की शिक्षाओं को सभी वर्गों तक जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस्लाम का परिचय हम तमाम लोगों से को कराना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की शिक्षाएं क्या हैं, इस्लाम का मार्गदर्शन क्या है। हम अपनी इस मुहिम के माध्यम से ये भी चाहते हैं कि अगर इस्लाम के संबंध में देशवासियों को, मुसलमानों को या किसी भी जाति और धर्म के लोगों अगर कुछ भ्रम है, यदि वो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस्लाम की शिक्षाएं और इस्लाम की तालीमात उन लोगों तक पहुंचाएं। इस्लामिक लॉ भी टच किया गया, मीडिया में बहुत सारी बातें आई, गवर्नमेंट ने जो है उसमें इंटरफेयर किया, तो लोग इस्लाम के विषय में जानना चाहते हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है, उसका इस्लामिक लॉ क्या है। तो हम अपने इस अभियान के द्वारा ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बात पूरी पहुँचे, जो लोग इस्लाम को जानने और मानने वाले हैं उन लोगों को जो इस्लाम को वास्तविक रूप में जानना और समझना चाहते हैं, उन तक इस्लाम की सही शिक्षाएं उन तक पहुंचना चाहिए।